बीती मध्यरात्रि को बांदीपुरा जिले के चेक अरसला खान गांव में भालू के हमले में करीब 18 भेड़ें मारी गई और 25 घायल हो गई। स्थानीय निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात करीब 3 भालू जुबैर अहमद के टीन के शेड में घुस गए और 18 भेड़ों को मार डाला और 25 को घायल कर दिया, जबकि कई अभी भी लापता है। सुबह वन्य जीव विभाग की टीम ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। भालू के हमले का शिकार बने परिजन जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। वन्य जीव विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद इलाके में पिंजरा लगा दिया है और आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही भालू को पकड़ लेंगे और परिवार के लिए मुआवजे के लिए भी उच्च अधिकारियों से अपील करेंगे। भेड़ पालन विभाग ने भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। यहाँ हमारे भेड़ू थे, यहाँ इस बाग में शाहीन साहब के बाग में घास खिलाने के लिए लाए थे, तो रात को ये शेड में थे अंदर, तो रात को 2 बजे शेड आ गए, ये भालू उसे टुटाया शेड, तो 25 भेड़े यहाँ आपके आगे जख्मी है, तो 18 गायब है। 18 की कोई डेड बॉडी हमने उधर जमीन से लाई, कुछ किधर से लाई, छोटे छोटे बच्चों का, तो बहुत नुकसान हुआ, लगभग ये 8-10 लाख का नुकसान हमारा खा गया एक रात में। ये एक ही भालू नहीं था, क्या पता ये 2 थे 3 थे। यहाँ देखो ना आपको इतना सब खून ही खून, ये भी अभी आए थे डॉक्टर साहब, वो आए थे, इनको जो जख्मी इनको दवाई शवाई लगाई, वो कहते थे नहीं ये सीरियस है सब। अब हम चाहते गवर्नमेंट से ये हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो वरना हम ये पेशा छोड़ देंगे। ये 3 भाई मेरे चचेरे, 3 भाई के बेड़े थे और इनको बहुत नुकसान हो गया। ये अपने खून पसीना निकालते इन बेड़ों के लिए, इनका बहुत बड़े नुकसान है आपके सामने, ये साहब के सामने, इनको कोई इमदाद मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ। ये रात को आगे बालू इसमें दरवाजा तोड़कर गान में 2 बंदे थे यहाँ, तो इनको बहुत नुकसान हो गया, 20 बच्चे ही इनके खाए और बड़ी भेड़ और कुछ गैब है। बिल्कुल, हमें भी सुबह आज इतला मिली थी लोकल से और टेरिटोरियल डिवीजन जो है चितरनार उनके एक मुलाजिम से भी हमें इतला मिली थी। तुरंत हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर केज इंस्टॉल किया है, तो अब इसका ट्रैक ढूंढ रहे हैं हम कि कहाँ से ये आ रहा है, उस पर भी हम एक और केज लगाएंगे ताकि जल्द अज जल्द हम इसको काबू में कर लें। ये है फर्स्ट प्रायोरिटी हमें यही है कि हम इसको ट्रैप कर लें, उसके बाद में हम देखते अपने आला हुकाम से भी बात करेंगे कि नुकसान का जो है इसका इसकी भरपाई की जाए। और बाद में हमने शीप हस्बेंड्री भी यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने भी अपना जो है प्रोसीजर वो किया है, सेम वही हमने भी फॉलो किया है अपने तरीके से। तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि हम इसको ट्रैप करें ताकि ज़्यादा नुकसान ना दोबारा कोई किसी काउशेड में ना घुसे और ये नुकसान से बचा जाए। बिल्कुल, हम पिछली बार भी आपको पता होगा, देखा भी होगा कि एजन से लेकर इस बेल्ट में वहाँ भी हमने कैमरा ट्रैप से जब लगाए थे तो उनमें से 3 वहाँ आए थे और यहाँ भी चूँकि नुकसान ज़्यादा हुआ है, दैट मीन्स कि इनका नंबर जो है ये एक बालू नहीं कर सकता है, इनका नंबर 1 से ज़्यादा होगा या 2 या 3 होंगे, तो हम उसी हिसाब से भी एक कैमरा ट्रैप भी लगाएं इसके ट्रैक पर भी ताकि हम देख लेंगे इसके नंबर कितना है, उसी हिसाब से हम केज भी फिक्स करेंगे। दैनिक सवेरा के लिए बांदीपुरा से जुबैर कुरैशी की रिपोर्ट।